तो हेलो गाइस, आपका इंडियन बाइक ड्राइविंग द डे गेम के कोनी मस्त गेम प्ले वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के गेम प्ले वीडियो में हम फिर से कोनी मस्त को कंफर्म या बस्ट करने वाले हैं। तो आइए गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अमित कमेंट में आया था कि गाइस जो हमारे न्यू गेम प्ले में स्पाइडर आए हैं वो उसको हम रॉकेट लॉन्चर से या स्टिकी बॉम्ब से नहीं मार सकते हैं। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ इन्फिनिटी हेल्थ और उसके बाद मंगा लेता हूँ मैं जल्दी से स्पाइडर को। स्पाइडर का चीट कोड है 5599 जो कि अपने इंडियन बाइक ट्रैवलिंग गेम के न्यू अपडेट में आ गए हैं। तो गाइस देखो यार कितना खतरनाक स्पाइडर है और ये आप कहीं पर भी चले जाओ ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो किस किस को इसका चीट कोड नहीं पता था कमेंट में मेरे को जरूर बताना और मैंने आपको बता दिया है। वो गाइस देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फायर किया भाई ये कहाँ चला गया भाई, ये तो गायब सा हो गया भाई। और ना दो दिखा 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 गाइस ये तो देखो आसमान में चला गया था भाई, कितनी ऊपर चला गया था। और गाइस ये अभी भी नहीं मरा, ये हमारा पीछा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मरा है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है इसको। तो गाइस ये देखो हमने फिर से इसके ऊपर फायर किया लेकिन ये फिर भी नहीं मरा है। तो गाइस अब बारी है स्टिकी बॉम्ब ट्राई करने की। तो गाइस अब जल्दी से स्टिकी बॉम्ब को ट्राई कर लेते हैं कि स्टिकी बॉम्ब से मरता है कि नहीं, तभी हमको पता चलेगा कि ये मिथ कन्फर्म है अब पास्ट। तो गाइस हमने इसके ऊपर बहुत ही सारे स्टिकी बम देखो यार यहाँ पर लगा दिए, लगभग बहुत ही सारे स्टिकी बम लगा दिए हैं, लेकिन यार हम स्टिकी बम को ब्लास्ट कैसे करेंगे, ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो यार मेरे को यहाँ पर मंगानी पड़ेगी एक सुपर बाइक जिससे मैं इसके बहुत ही दूर चला जाऊँ। और सुपर बाइक मंगा ली है मैंने निंजा S2R जिसका चीट कोड है 3000। और गाइस देखो यार इसको जल्दी से भगा लेता हूँ, मैंने बहुत दूर ले जाकर इसको बाइक को खड़ा कर दिया है। अब स्पाइडर धीरे धीरे उछलता हुआ आ रहा है। तो गाइस अब जल्दी से मैं एक्टिवेट करके देखता हूँ कि मरता है कि नहीं। ओ भाई साहब यार स्पाइडर का तो अभी रॉकेट बन गया था भाई यार। ओ भाई ये अभी भी नहीं मरा भाई, स्टिकी बॉम्ब से भी नहीं मरा। अब देखते हैं गाइस ये पिस्टल से मरता है कि नहीं। तो गाइस देखो यार मैं पिस्टल से इस पर लगातार फायरिंग कर रहा हूँ और गाइस मैंने कितनी सारी फायरिंग कर दी है लेकिन ये अभी भी नहीं मर रहा। ओ भाई वो रियली में मर गया भाई, ये पिस्टल से ही मरता है, ये गन से ही मरता है। अगर हाँ हम इसको AK-47 से मारना चाहें या पिस्टल से मारना चाहें तो मर जाएगा, लेकिन ये रॉकेट लॉन्चर और गाइस स्टिकों से ये नहीं मरता है। तो ये मिथ कन्फर्म है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ में कमेंट में आया था कि गाइस आर्मी टैंक में लाइट जलाकर दिखाओ। तो गाइस इसने मेरे को चैलेंज किया तो इस गाइस इस चैलेंज को तो पूरा करके दिखाना ही पड़ेगा। इसने मेरे को चैलेंज किया कि आर्मी टैंक में लाइट ऑन करके दिखाओ। तो गाइस देखो यार ये अपना आर्मी टैंक है और इसमें लाइट का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ फायर करने का ऑप्शन आता है, लाइट का ऑप्शन नहीं आता है। तो गाइस इसको चलाने के लिए मेरे को लंबर जरूरत पड़ेगी। गाइस एक लंबरगिनी की मैंने मंगा ली है और गाइस देखो इसमें लाइट का ऑप्शन आता है। मैं आपको नाइट मोड करके दिखाता हूँ कि नाइट मोड में किस किस की लाइट जलती है। तो गाइस देखो यार यहाँ पर कर लिया है मैंने नाइट मोड और मैं बैठ गया हूँ आर्मी टैंक के अंदर, लेकिन इसकी लाइट नहीं जलती है, इसमें सिर्फ फायर वाला ऑप्शन आता है, लाइट वाला ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं जल्दी से आपको लंबरगिनी में बैठ कर दिखाता हूँ कि लाइट कैसे जलती है। तो गाइस देखो यार लंबरगिनी की लाइट कितनी मस्त जल रही है। तो गाइस यार इसको जलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आर्मी टैंक के बिल्कुल बराबर में ले जाकर हमको लंबरगिनी को खड़ा कर देना है। देखो यार मैंने बिल्कुल सटा कर लंबरगिनी को खड़ा कर दिया है। अब आपको दोनों में एक साथ बैठ जाना है, दोनों में एक साथ बैठने वाला ग्लिच लगा देना है और जब तक आपका बंदा टैंक के अंदर ना बैठे आपको बार बार बैठे जाना है क्योंकि ये जो ग्लिच होगा ये टैंक के अंदर बैठने से ही होगा। तो गाइस देखो यार मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन टैंक के अंदर नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैंने एक बार और लास्ट बार ट्राई किया है। तो गाइस देखो यार अब की बार मैं टैंक के अंदर बैठ गया हूँ और अब की बार मेरे पास ऑप्शन आ गया है आर्मी टैंक के अंदर लाइट जलाने का। तो गाइस यार देखो यार हमने अपने इंडियन आर्मी टैंक के अंदर लाइट जला दी है वो भी नाइट मोड ऑन करके। तो गाइस ये मिथ आपको कैसा लगा कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और अगर अभी तक आपको नहीं पता था कि आर्मी टैंक की लाइट कैसे जलाते हैं तो जल्दी से जाकर कमेंट मेरे को बताओ। और गाइस किस किस को ये मिथ बढ़िया लगा कमेंट मेरे को जल्दी से जाकर फायर वाला ऑप्शन दबा दो। तो गाइस यार अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि ये अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी गेम में आ गया है न्यू एयरपोर्ट। जब से हमने न्यू अपडेट किया है तो उसके साथ हमारा न्यू एयरपोर्ट भी आ चुका है। तो नेक्स्ट मिथ में कमेंट में आता है कि गाइस एयरपोर्ट के जो ऊपर वाला फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला रूम है, अगर हम उसके ऊपर जंप करेंगे तो हम एक न्यू लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं आ गया हूं एयरपोर्ट और मेरे को सामने एक रूम दिखाई दे रहा है यार छोटा सा, लेकिन ये ऊपर टावर क्या है, इसने टावर की तो बात नहीं की है। तो गाइस इस मिथ को ट्राई करने के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ टावर पर और फिर जाता हूँ उस रूफ पर। तो गाइस देखो यार मैं टावर पर ऊपर आ चुका हूँ, अब मैं जल्दी से जंप। ओ भाई ओ अरे भाई ये क्या हुआ भाई, ओ भाई बाल बाल बच गए, मैंने इन्फिनिटी हेल्थ लगाई थी तो मैं बच चुका हूँ गाइस,
लेकिन यार ये मैं कैसे आ गया भाई नीचे, मैंने तो ऊपर जंप की थी, ये कैसे आ गया भाई। कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है गाइस, इस टावर के अंदर कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है। तो गाइस इसका पता लगाने के लिए मैं फिर दोबारा से आ गया हूँ टावर के ऊपर। ओ गाइस ये तीन चीज नुकीली क्या खड़ी है, ये मेरी बुंड में ना पड़ जाए भाई। यार ये क्या चीज़ है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई कितनी नुकीली चीज़ लगी हुई है ये। ये मेरे को लगता है कनेक्शन टावर है, जो कि गाइस हमारे एयरप्लेन में काम आता है, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए जो सिग्नल पहुंचाता है, ये वो वाला टावर मेरे को लग रहा है, जिससे वो गाइस जो आपने वो वाली मूवी देखी होगी उसमें वो करता है गाइस, ये बटन नहीं दबाना था वो दबा देता है। ये वाली मूवी इसी सीन में हुई थी, तो गाइस ये वही टावर मेरे को लग रहा है। तो गाइस ये टावर बहुत ही अमेजिंग है। अब हम चलते हैं उस रूफ के पास, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं टावर कैसा है। ओ भाई यार बस, ओ भाई हम यहीं पर खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं पर भी खड़े नहीं होने वाले भाई। वो देखो जैसे ही मैं खड़ा हुआ भाई नीचे, फिर दोबारा से नीचे गिर गया भाई। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो गाइस यार ये मिता आपको कैसा लग रहा है कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और गाइस अभी तक आपने मेरे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम की नई वीडियो नहीं देखी है तो गाइस जल्दी से जाकर देख लो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से अगर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो गाइस जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस अगर आपको पुलिस थार कार का चीट कोड नहीं पता है तो गाइस जल्दी जाकर कमेंट में लिखो पुलिस थार कार चीट कोड, मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में आपको पुलिस थार कार का चीट कोड बता दूंगा। तो गाइस यार मैं यहाँ पर लगातार जंप कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी मैजिक नहीं हो रहा है, मेरे को तो ये मिथ बस्टेड लग रहा है। लेकिन हम फिर भी लॉन्ग जंप हाई जंप ट्राई करने के बाद यहाँ पर जंप करके देखते हैं। तो हाई जंप का चीट कोड है गाइस 1215, मैंने यहाँ पर लगा दिया है सुपर जंप का चीट कोड। और जैसे ही मैंने जंप किया वो गाइस मैं तो नीचे कहीं भी नहीं गिरा, कुछ भी मेरे को कुछ अमेजिंग नहीं लगा है। तो गाइस यार ये मिथ बस्टेड है। तो गाइस हम आपको दिखा देते हैं कि एयरपोर्ट का जो रूप है वो कैसा है, और उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं इम्पोर्टेंट चीज़, आपको एक न्यू चीट कोड बताने वाले हैं जो कि इंडियन बाइक ड्राइविंग सिटी गेम के न्यू अपडेट में न्यू चीट कोड आया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस यार गेम प्ले वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी अगर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू अपडेट का न्यू चीट कोड, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जो कि आपकी डिमांड पर आपके लिए मंगाया गया है उस चीट कोड गाइस 8593 से नहीं होता है। और गाइस यहाँ पर मैंने बहुत ही सारे चीट कोड ट्राई किए लेकिन वो चीज़ नहीं आई, तो अब मैंने लास्ट ट्राई किया 8370 से और आ गई है ऑटो रिक्शा। अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम में ऑटो रिक्शा आ गई है। और गाइस एक भाई का मिथ कमेंट में आया था कि गाइस ऑटो रिक्शा को हम कितनी भी स्पीड में भगा लें, कितनी भी स्पीड में भगा लें लेकिन ये पलटती नहीं है। तो गाइस जो नॉर्मल रिक्शा होती है वो तो अगर हम उसको एकदम से कट मार देते हैं तो वो पलट जाती है, तो गाइस इसको हम फुल स्पीड में भगाकर कट मार कर देखने वाले हैं कि ये पलटती है कि नहीं। तो गाइस देखो यार मैंने इसको कार से टक्कर भी मार दी, वो बिल्कुल भी नहीं पलट रही भाई, बिल्कुल भी नहीं पलट रही है भाई। ओ भाई देखो यार अब की बार तो पलट गई, लेकिन कितनी जल्दी सीधी हो गई भाई, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा भाई कितनी जल्दी सीधी हो गई। और कितनी स्पीड है भाई इस टेम्पो में, इस ऑटो रिक्शा में कितनी स्पीड है, ये तो गाइस रियल की ऑटो रिक्शा होगी जो मुंबई में भगी फिरती है गाइस। और देखो मैं इसको कितना तगड़ा तगड़ा कट लगा रहा हूँ लेकिन ये पलट नहीं रही है भाई, कितनी खतरनाक है। तो गाइस यार ये मिथ कन्फर्म है। आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम की न्यू गेम प्ले वीडियो कैसी लगी कमेंट में मेरे को जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना ओपी वीडियो। तो गाइस यार जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस अगर आप इस गेम प्ले वीडियो को मजा आनंद लिया है तो गाइस जल्दी से जाकर कमेंट भी कर दो, मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो प्लीज़।